गुड मॉर्निंग प्लस टू बच्चों, टुडे इन दिस मैथ क्लास वी विल कंटिन्यू सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन पेपर 2015। लास्ट लेक्चर में हमने इसके 17 सम्स डिस्कस कर लिए थे और अभी तक हमने 2011, 12, 13 एंड 14 के जो पेपर हैं वो डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है बच्चों, तो इस टेस्ट सीरीज़ का ये हमारा 14th लेक्चर है। तो लेट अस स्टार्ट विद द डिस्कशन। इसका सेक्शन बी का 18th सम है आपके पास। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन जो कि पास कर रही है 1 to -4 में से एंड परपेंडिकुलर टू द लाइंस आर वेक्टर इज इक्वल टू, ये मैंने लिखी हुई लाइन है पहले ही, ठीक है, लाइन 1 and 2। ठीक है बच्चों, तो जैसे कि आपने क्या करना है, एक लाइन L1 फाइंड आउट करनी है, ठीक है, जो कि पास कर रही है 1 to -4 में से। और ये जो दो लाइनें हैं L1 एंड L2, दीज आर पैरेलल। इसका ये जो लैम्डा के साथ होता है ये क्या होता है, ये लाइन इस वैक्टर के पैरेलल है और जो सेकंड लाइन है म्यू इनटू दिस इस वैक्टर के पैरेलल है। ठीक है बच्चों, ये वैक्टर B1 है आपका और ये वैक्टर B2 है। तो जो आपको रिक्वायर्ड लाइन है, रिक्वायर्ड लाइन का हमें पासिंग पॉइंट तो पता है, बट ये इसमें हमें ये नहीं पता कि ये लाइन किसके पैरेलल है। बट दिस इज़ परपेंडिकुलर टू बोथ लाइन, टू लाइंस L2 एंड L3, और ये दोनों लाइनें किसके पैरेलल है, B1 एंड B2 के। तो इट मीन्स जो रिक्वायर्ड लाइन है वो किसके, इसका इसको जो पैरेलल वेक्टर क्या होगा, B1 क्रॉस B2 होगा। ठीक है बच्चों, तो ये जो वेक्टर लैम्डा के साथ ये B1 है और जो म्यू के साथ है ये आपका B2 है। तो ठीक है, मैंने इसको लिख दिया हुआ है B1 क्रॉस B2 IJK। तो जो B1 वेक्टर के कोएफिशिएंट्स क्या हैं, 3, -16 and 7, और सेकेंड वाले के क्या है, देखो आपके पास 3, -8 and -5। ठीक है बच्चों, इस तरह से करना है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा और ये आपका बी वेक्टर है। तो यहाँ पर ये लिख देंगे आप, ठीक है, ये बी वेक्टर की वैल्यू आप लिख देना इसमें, ये वेक्टर मैंने पहले लिख दिया हुआ है। तो जो लाइन आपने फाइंड आउट करनी है वो क्या होगी, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी। ए हम मैंने लिख दिया प्लस लैम्डा इंटू, ये आपका बी वेक्टर है, ये आप इसमें पुट कर देना। ठीक है बच्चों, अब इसका है और पार्ट। ठीक, इसका और पार्ट क्या आया था, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द प्लेन निकालना आपने। किसका क्या निकालना है, प्लेन निकालना है आपको, पासिंग थ्रू द टू पॉइंट्स -1, -2, 0 and 2, 2 and -1 एंड पैरेलल टू द लाइन। और ये इस लाइन के क्या है, पैरेलल है, 2y + 1/2 इज इक्वल टू z + 1/-1। ठीक है, तो बच्चों इसमें इक्वेशन ऑफ एनी प्लेन थ्रू -1, 2 and 0 क्या होती है, a (x-x1) + b (y-y1) प्लस c(z-z1) इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, इसको हम कर देते हैं नंबर 1। अब ये किस में से पास कर रही है लाइन, 2, 2 and -1 में से पास कर रही है। ये आप x, y, z पुट करें इसमें तो आप देखेंगे आपके पास आएगा 3a + 0b - c (0). इसको इक्वेशन नंबर 2 कर लेते हैं। ठीक है, जो प्लेन आपका है गिवन प्लेन 1, ये किसके पैरेलल है, ये गिवन लाइन इसके पैरेलल है। ठीक है, तो इस लाइन के पैरेलल है, तो इसको हम क्या करते हैं, अरेंज करते हैं इसको। ये लाइन बनेगी मेरे पास x-1, ये तो पहले तो ठीक ही लिखा हुआ है फर्स्ट वाला, तो ठीक है, अपॉन 1 इज इक्वल टू, सेकेंड को लिख लें आप y का कोएफिशिएंट 1 बनाना है, इज इक्वल टू z + 1/-1। ठीक है बच्चों, तो इट मीन्स जो ये लाइन है ये आ गई आपके पास 3। ठीक है, जो प्लेन आपने निकालना है उसके दो पासिंग पॉइंट्स गिवन है और इसके पैरेलल है। तो इट मीन्स ये जो लाइन है ये ऑलरेडी किसके पैरेलल है, 1, -1, 1, 1 and -1 के। देयर फॉर a(1), इनके जो डायरेक्शन रेशियोज़ के आपके पास ए बी और सी, और इसके डायरेक्शन रेशियोज़ क्या है, 1, 1 and -1, तो इनकी डॉट प्रोडक्ट क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, b.1 + c(-1) इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, इसको 3- कर लेते हैं, चलो, या इसको 4 कर लेते हैं। ठीक है, तो अब इनको आपने अपने ए बी सी को एलिमिनेट करना है फ्रॉम 1, 2 and 3- में से। ठीक है, 1, 2 and 3- में से यदि हमने ए बी सी को एलिमिनेट करना है तो हम इनके कोफिशियंट्स की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 करेंगे। फर्स्ट वाली का x+1, ये देखो बच्चों ऊपर आ, फिर y-2 and z है। ठीक है, और सेकंड में देखो आप 3, 0 and -1। ठीक है, इस तरह से आपने थर्ड का करना है 1, 1 and -1। इसका डिटर्मिनेंट जब 0 सॉल्व करेंगे आप इसको तो आपके पास रिक्वायर्ड प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी, x+2y + 3z = 3 आपके पास आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब है 19th सम आपके पास। ये प्रोबेबिलिटी का सम है, इसमें क्या गिवन है, 3 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली विद रिप्लेसमेंट है फ्रॉम ए वेल शफल्ड
पैक ऑफ 52 कार्ड्स, ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ स्पेड्स, और उसके बाद आपने इसका मीन निकालना है, ठीक है। तो बच्चों देखो, जो स्पेड कार्ड कितने होते हैं आपके पास, 13 होते हैं, ठीक है, क्योंकि विद रिप्लेसमेंट का कॉपी ये सम है, तो इसमें जो इसको हम करेंगे, जो एक्स आपके पास है, लेट एक्स डिनोट द नंबर ऑफ स्पेड्स, तो नंबर ऑफ स्पेड्स कितने हैं, 3 कार्ड लेने हैं, 0, 1, 2 एंड 3, ठीक है बच्चों। तो 13 टोटल कार्ड है, इसमें से 3 कार्ड लेने हमने, इधर देयर इज़ नो स्पेड और 1 स्पेड होगा, या फिर 2 होंगे, या फिर तीनों के तीनों स्पेड होंगे, ठीक है। तो इसमें करना हमने जैसे कि आप करते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 सबसे पहले निकालना है, मतलब इसमें क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो स्पेड कार्ड, जब कोई स्पेड कार्ड ही नहीं होगा तो बाकी कितने बचे आपके पास, 39 बचे, उसमें से 3 लेने हैं आपने, 52C3, ठीक है बच्चों। इसको सॉल्व करना है तो इसका आंसर आएगा 2109/50100, ठीक है। इसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 निकालना है, मतलब 1 स्पेड हो गया आपके पास, ठीक है, और बाकी जो से होंगे नो टू नॉन स्पेड, ठीक है, नॉन स्पेड कार्ड्स, तो मतलब क्या है, 13C1 एक, ठीक है, बाकी 39 में से 2 लेने हैं, और डिनोमिनेटर में तो वही सेम ही आएगा, तो इसको सॉल्व करके आपके पास आएगा 2223/50100। इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 का क्या मीनिंग है, कि 2 स्पेड इसमें से आपके पास जो से 1 स्पेड हो गया, सॉरी इसमें 2 जो से हैं स्पेड हो गए और 1 जो से नॉन स्पेड हो गया, ठीक है। इसको सॉल्व करके आपके पास आ जाएगा 702/50100, ठीक है बच्चों। और प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 का क्या मीनिंग है, कि सारे स्पेड के कार्ड्स होंगे 13C3/52C3, तो 66/50100 होगा। तो इसका आप एक टेबल बना लें यहाँ से, ठीक है। तो ये आ गया आपका, यहाँ पर है आपका एक्स है, यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स हो गया 0, 1, 2 एंड 3। 0 पर कितनी है, सारी वैल्यूज पुट कर दें आप, 2109/50100, 2223/50100, 702/66/50100। तो मीन निकालने के लिए क्या करते हैं, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई करके इनको ऐड कर देना, बस हो गया आपका। तो मीन क्या होगा, एक्स बार इज इक्वल टू 0 क्रॉस, इसको मैं ए बी सी डी लिख लेती हूँ, ठीक है, 0 क्रॉस ए प्लस 1 क्रॉस बी प्लस 2 क्रॉस सी प्लस डी क्रॉस, इससे आपका टाइम सेव हो गया, बट आपने सारा ही लिखना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके आपके पास आंसर आएगा 0.75। इसके बाद इसका और पार्ट आया था, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का सम है ये वाला, 6 ट्रायल्स इसमें किए गए हैं और एक्स बाइनोमियल वेरिएट है सेटिस्फाइंग द रिलेशन 9 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स फोर इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस आपने निकालनी है। तो इसमें एन आपको 6 गिवन है, पी आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है, ठीक है, जैसे आप इसको करते आए हैं, ठीक हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग आर सक्सेसेस क्या होती है हमारे पास, एन सी आर, इसमें 6 सी आर आएगा, ठीक है, क्यू की पावर 6 माइनस आर, पी की पावर आर आ जाएगा बच्चों, वेयर क्यू इज इक्वल टू 1 माइनस पी होते हैं, ठीक है। तो इसमें 9 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2, इसमें आप डालेंगे इसको 6C4 P4 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 6C2 P2Q4 आ गया। तो इसको जब सारा सॉल्व कर लेंगे तो P की पॉजिटिव वैल्यू लेके आपके पास आंसर आ जाएगा P=1/4, ठीक है बच्चों। तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। अब हमारा स्टार्ट होता है सेक्शन सी, इसमें हमें एक फंक्शन गिवन है, 20th सम है, फंक्शन गिवन आर पॉजिटिव रियल नंबर्स 2 -9 to infinity ऐसे, तो इसको आप -9 to infinity ऐसे होता है इसको, ठीक है, मीनिंग इसका, मतलब यहाँ पर ओपन है, इस उल्टे का ये मीनिंग है, ठीक है बच्चों। तो अब हमें क्या करना है, हमें ये फंक्शन गिवन एफ एक्स इज इक्वल टू 5x² + 6x - 9 गिवन है, तो हमें इन्वर्टिबल शो करना है और इसका इन्वर्स हमें बताना है कि एफ इन्वर्स वाई इज इक्वल टू दिस, ये होता है आपके पास, ठीक है, वो हम सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले क्या है आपके पास, आपने इस फंक्शन को 1 1 शो करना है, ठीक है। तो लेट x1 and x2 बिलोंगिंग टू आर प्लस, देयरफॉर fx1 = fx2 इम्प्लाइज 5x1² + 6x1 - 9 = 5x2² + 6x2 - 9,
ठीक है बच्चों, इसको सॉल्व करेंगे, 5 इंटू एक्स वन स्क्वेयर माइनस एक्स टू स्क्वेयर प्लस 6 इंटू एक्स वन माइनस एक्स टू इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा। एक्स वन माइनस एक्स टू कॉमन निकालेंगे, कॉमन निकाल लेंगे तो हमारे पास बचेगा 5 एक्स वन प्लस एक्स टू माइनस प्लस 6 इज इक्वल टू जीरो। ठीक है बच्चों, अब ये चीज़ तो जीरो नहीं है आपके पास, ठीक है, ये चीज़ तो जीरो नहीं है, इट मीन्स यही जीरो होगा क्योंकि एक्स फॉर एक्स वाई जो है, एक्स वन एक्स टू जो है आपके पास पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, तो इसका मतलब ये जीरो तो हो ही नहीं सकता। तो इट मीन्स जीरो क्या होगा, एक्स वन माइनस एक्स टू इज इक्वल टू जीरो होगा, तो इससे क्या होगा हमारा वन वन प्रूव हो गया। तो एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू यही हमें शो करना था। ठीक है बच्चों, अब ऑन टू के लिए हमें क्या करना होता है, ऑन टू के लिए हम करेंगे लेट वाई बिलोंगिंग टू माइनस नाइन टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो फाइव एक्स स्क्वेयर प्लस सिक्स एक्स माइनस नाइन इज इक्वल टू वाई, तो यहाँ से आपको एक्स निकाल लेना है। ठीक है, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के माइनस नाइन प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो, तो आप इसमें एक्स की वैल्यू निकालेंगे, पॉजिटिव वैल्यू लेनी है आपने। ठीक है, प्लस माइनस आएगा यहाँ पर, तो पॉजिटिव वैल्यू लेके आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये आ गया आपके पास। अब देखो, फॉर एवरी वाई ऑन टू के लिए क्या करते हैं, फॉर एवरी वाई बिलोंगिंग टू माइनस नाइन टू इन्फिनिटी देयर एग्जिस्ट एक्स इज इक्वल टू, इसको मैं कैपिटल ए ले लेती हूँ, ए सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई हो गया आपके पास। ठीक है बच्चों, तो यही आपके, इट मीन्स फंक्शन क्या हो गया, ऑफिस ऑन टू हो गया, और यही आपका इन्वर्स है, ये जो मैंने निकाला है ये आपका एफ इन्वर्स वाई है। ठीक है बच्चों, यही हमें शो करना था। अब इसी के साथ इसका एक और पार्ट आया था, एक स्टार बाइनरी ऑपरेशन हमें डिफाइन किया गया है। ठीक है, ऑन द सेट एक्स, एक्स के आपका एक्स सेट आर माइनस, उसमें से माइनस वन निकाल के, ठीक है, सेट ऑफ रियल नंबर्स लिया सच दैट एक्स स्टार वाई जो है वो एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई दिया हुआ आपको, फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंगिंग टू एक्स। ठीक है, ये एक्स है आपका। ठीक है बच्चों, आपको शो करना है स्टार, कम्यूटेटिव है, एसोसिएटिव है, आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना है और इन्वर्स निकालना है। तो सबसे पहले हम जो ये वाला एलिमेंट है आपका, इसको शो करेंगे कि ये एक्स से बिलोंग करता है। ठीक है बच्चों, अब क्योंकि जो आपके पास मान लो एक्स एंड वाई आर से बिलोंग करेंगे, सॉरी एक्स से बिलोंग करेंगे, ठीक है, तो ये मैं इसको लिख देती हूँ। तो इट मीन्स जो एक्स एंड वाई क्या होगा आपके पास, एक्स भी माइनस वन नहीं होगा, वाई भी माइनस वन के इक्वल नहीं होगा, तो इट मीन्स एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई भी क्या होगा, माइनस वन के इक्वल नहीं होगा। जब ये दोनों ही एक्स वाई माइनस वन नहीं है, तो ये भी क्या होगा, माइनस वन के इक्वल नहीं है आपके पास सारा। इट मीन्स ये एलिमेंट एक्स से बिलोंग करता है, सबसे पहले तो ये शो करना आपको। ठीक है, अब हम शो करेंगे कम्यूटेटिविटी, कम्यूटेटिव, ठीक है, मतलब एक्स स्टार वाई इज इक्वल टू वाई स्टार एक्स, हम इसको शो करेंगे। तो मैं एक सॉल्व करती हूँ, एक्स स्टार वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई आ जाएगा। इसको यदि ऐसे लिख दें वाई प्लस एक्स प्लस वाई एक्स, तो कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये कम्यूटेटिव हो गया। इसके बाद शो करेंगे हम एसोशिएटिविटी। ठीक है बच्चों, क्या शो करना है हमने, एसोशिएटिविटी। तो एक्स स्टार वाई स्टार जेड इज इक्वल टू एक्स स्टार वाई स्टार जेड हमारा आना चाहिए। तो पहले ये साइड सॉल्व करती हूँ मैं, एक्स स्टार ये वाई प्लस जेड प्लस वाई जेड हो गया आपका, फिर से इसको लगाया हमने स्टार, मतलब एक बार तो इन दोनों एलिमेंट्स को ऐड ही करना है। ठीक है, एक बार क्या करना है, प्लस इन लोग को मल्टीप्लाई करना, एक्स वाई प्लस एक्स जेड प्लस एक्स वाई जेड। ठीक है बच्चों, अब ये राइट हैंड देखते हैं, राइट हैंड साइड में क्या आ रहा है हमारे पास, ये करेंगे सॉल्व, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई आ गया, स्टार जेड किया हमने, तो इसको क्या करना है, एक बार तो इनको ऐड ही करना है। ठीक है, प्लस जेड एक्स प्लस जेड वाई प्लस एक्स वाई जेड, देख लो आपके पास आ रहा है एक्स वाई जेड एक्स, एक्स प्लस वाई प्लस जेड आ रहा है, ये भी आ गया सेम, और एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, इसमें भी आ रहा है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है बच्चों, इटमीन्स एसोसिएटिव हो गया आपके पास। अब आइडेंटिटी शो करते हैं, जीरो बिलोंगिंग टू एक्स, ठीक है, एक्स प्लस एक्स स्टार जीरो, आप देखें क्या आएगा, एक्स प्लस जीरो इंटू एक्स, मतलब कि एक्स ही आ गया, जीरो स्टार एक्स भी आप चेक करेंगे एक्स ही आ जाएगा, तो इट मीन्स जीरो क्या आपके पास, जीरो स्टार एक्स इज इक्वल टू, जब एक्स आ जाए तो जीरो क्या हो गया आपके पास, आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है बच्चों, अब इन्वर्स के लिए क्या करना है, इन्वर्स के लिए आपके पास आइडेंटिटी आनी चाहिए, फॉर एवरी वाई बिलोंगिंग टू एक्स, तो ये बनेगा एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो हो गया, तो यहाँ से वाई की वैल्यू निकाल लेना,
ये भी क्लियरली एक्स से बिलोंग कर रहा है, तो यही हमारे पास इन्वर्स हो गया हर एक एलिमेंट का, ठीक है। तो इट मीन्स ये क्या हो गया आपके पास, इन्वर्टिबल हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब जो सेट का हर एक एलिमेंट क्या है, इन्वर्टिबल है, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आपने शो करना होता है, ये काफ़ी सिंपल सम होते हैं। इसके बाद है 21st सम, फॉर वी व्हाट वैल्यू ऑफ पी द टू कर्व्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9p × 9 माइनस वाई और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू p × y + 1 आर एट राइट एंगल्स, ठीक है बच्चों। राइट एंगल्स में क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स माइनस वन करनी है आपने। सबसे पहले तो बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। सॉल्व करके आपके पास आएगा 9p × 9 माइनस वाई इज इक्वल टू p × y + 1। अब क्योंकि p जीरो नहीं है आपके पास, ठीक है, तो इसको सॉल्व करके आपके पास आ जाएगा y की वैल्यू 8 आ जाएगी इसको सॉल्व करके, ठीक है। p क्योंकि जीरो नहीं है, p कॉमन निकल जाएगा, इसको सॉल्व करके कितना आएगा, y इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। y इज इक्वल टू 8 इन दोनों इक्वेशन में रख दो आप, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, 9² = x² = 9p बनेगा, ठीक है। और y की वैल्यू इसमें 8 पुट करेंगे तो ये भी इतना ही बनेगा, x² = 9p, ठीक है बच्चों। तो इस 1 को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, 1 को, ठीक है। तो क्या आएगा हमारे पास, 2x dx/dy विद रिस्पेक्ट टू y से डिफ्रेंशिएट करें इज इक्वल टू 9p − 1, ठीक है। तो ये आपका जो m1 है वो क्या होगा, dy/dx होगा, तो ये आएगा -2x/9p, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह से इक्वेशन नंबर 2 को आप डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है, तो ये कितना आएगा, 2x dx/dy = p, तो मतलब m2 कितना आ जाएगा आपके पास, dy/dx = 2x/p आ जाएगा बच्चों, ठीक है बच्चों। तो क्योंकि लाइंस परपेंडिकुलर है तो प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स क्या होती है, -1, तो इसमें आप वैल्यूज रखें -2x/9p, 2x/p = -1, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 9p² = 4x² और एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है आपके पास, 9p है, 4 × 9p आ गया, p जीरो नहीं है आपके पास, इसको सॉल्व करके p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी आपके पास, ठीक है बच्चों। इस तरह से आपने इसको सॉल्व करना था। तो अभी तक हमने 21 सम्स जो है वो डिस्कस कर लिए हैं, जो आगे जो बचे हैं सम वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए आप इनको सबको एक बार रिवाइज कर लेना, और यदि आपके कोई डाउट्स हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर। थैंक यू वेरी